संलेयना salli ala muhammadin salli Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du fa'uzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa lukdatan min lisani yafkahu kauli Mere piyari bahayu alaikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh मेरी दुआ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरिया से होंगे पिछले एपिसोड में मैंने आप सब के साथ ये वादा किया था कि इनशा आज के जो एपिसोड है मैं आप लोगों के साथ दुआ के बारे में और मज़द बात करूँगा और इनशाला आज मैं उन जुमला मौक़ अवकात और हालात के बारे में जो हज़रत आज सल्हुस ने हदीसों में बयान किया हदीसों में बताया कि इन इन मौके और जो अवकात अल्लाह ने हमारे दुआ को कबूल करेंगे तो इन शह इसके बारे में मैं आपके साथ गुफ्तगु करूँगा लेकिन उससे पहले मैं एक आयत आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो अल्लाह ताला ने यूनुस में फरमा फरमाया ये सुरा यूनुस के नंबर तेरह है आयत इस तरह है الرحمن बसमिल्लिह واذا مس الانسان الدر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه دره مر كان لم يدعنا الى در مسه ज अलमुशरफ़ी नम कमलू उसका तर्जमा ये है और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो अपने पहलू के बाल लेते हुए या बेटे हुए या करे हुए हमें पुकरता है मगर जब हम उससे उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो वो यूँ गुज़र जाता है जैसे उसने कभी हमें उस डूब की तरफ़ बुलाया ही ना हो जो उसे पहुँचा हो इसी तरह हाथ से बरने वालों को ख़ूबसूरत बनाकर दिखाया जाता है जो वो करते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों इस आयत में अल्लाह ताला ने उस इंसान को बताया उस इंसान के बारे में बताया कि जब वो उसको तकलीफ़ पहुंचा तो उस वक्त वो अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करते रहे लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसके तकलीफ़ को उसके दुख को उसके उसकी बेचैन को दूर कर देते हैं तो वो ऐसे गुजर जाते हैं गोया कि वो कभी भी अल्लाह हुजूर में दुआ नहीं करते तो हम इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे पहले एपिसोड में भी मैंने यही कहा था कि खुशी की हालत में या दुख की हालत में तंगी की हालत में या कशाइश की हालत में हम अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए हमारा काम यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करते रहें तो इस कोशिश के की वजह से इस महनत की वजह से अल्लाह ताला ता हमारे दुआ को जरूर कबूल कर, कर करेंगे ये नहीं कि जब अल्लाह ताला हमारे तकलीफ दूर कर देते हैं तो उसके बाद हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए तो हर हालत में हम अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए तो दुआ करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उस इंसान की तरह ना बने जो अल्लाह ताला सुरह यूनुस में आयत नंबर तेरह में इरशाद फरमाया बल्कि हम उस इंसान की तरह बनना चाहिए जो हर हालत में जिसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में है अल्लाह ताला के उज़ुर में दुआ करते रहे हर जो भी काम आपने शुरू करना है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हम भी इसी तरह करना चाहिए हर हालत में जो भी काम आप हमने शुरू करना हो तो अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए अगर ऐसे करें तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश हमारे काम में ज़रूर अल्लाह बरकत डालेंगे और अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता करेंगे तो आगे जैसे मैंने कहा था तो इंशाल्लाह हम उस तरफ जाते हैं अभी जो उन जुमला मौके अवकात और हालात जो हज़रत ने हदीसों में ये बयान किया बताया हमको कि इन इन हालात में अल्लाह ताला ने हमारे दुआ को कबूल करते हैं और हम उस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नमस्त हजुद का वक्त नमाज तजद का वक्त ख़ास कबूलियत दुआ का वक्त होता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारा रब हर रात को जब आखिरी तहाई शब बाकी रह जाए निचले आसमान पर उतर आता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूँ कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ ये हदीस बुखारी में है हजरत वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि तहज्जुद नमाज तहज्जुद में ये ख़ास कबूलियत की दुआ है तो इसलिए हजरत मसीमत अल्लाम ने भी शरत बयान में भी यही शामिल किया कि नमाज फरस के अलावा हम ये भी कोशिश करना चाहिए कि नमाज ताहजुद को अदा करना चाहिए हर रोज़ अदा करना चाहिए क्योंकि ये नमाज तहजद एक ऐसी वक्त है जो बिल्कुल तन्हाई में है और सिर्फ़ हम और अल्लाह ताला के साथ बातें करते रहें तो अल्लाह ताला नीचे आते हैं हमारे लिए तो इसलिए आज वसल्लम ने फरमाया कि हमारा हर रात को जब आखिरी तिहाई शब बाकी रह जाए निचले आसमान पर उतर आता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं तो अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास मौका अदा की तो इसलिए हम कोशिश करना चाहिए नमाज फ़र्ज के अलावा हम भी कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज तहाजद के लिए उठें और अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए क्योंकि ये एक ख़ास वक्त है जो अल्लाह नीचे उतर आता है और हमारे लिए हमारे दुआ को कबूल करने के लिए तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया तो इसलिए हम कोशिश करना चाहिए नमाज तहाजद के वक्त उठें और अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करें और इन वो दुआ जो खलूस दिल से निकले अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करें और खास तौर पर आजकल के हालात में हैं हम बहुत तकलीफ़ में हैं बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं तो अल्लाह ताला के जो सलाम ने ये खास वक्त हमें बताया उस वक़्त हम उठें और अल्लाह ताला के झुर्म में खलूस दिल से हमारे दिल से ये दुआ निकलें और इन श अल्लाह तमारा दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे और हमारा जो सारे तकलीफ़ और बेचैन अल्लाह ताला उसको दूर करेंगे इन दूसरी वक्त जो आज वसल्लम ने हमें बताया कि वो अजान के वक्त की दुआ के बारे में जब अजान होते हैं और अजान ख़त्म होने के बाद जो दुआ करते हैं जो दुआ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं जैसे सहल कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो ऐसे अवात हैं जिनमें दुआ रद नहीं की जाती एक अजन के वक्त दूसरे जंग के दौरान जब दुश्मन से सख्त मुकाबला जारी हो यह हदीस आबूदाउत में रिवायत है जो आज वसल्लम ने दो आ, दो मौक़े जो अल्लाह ताला ने हमारा दुआ को कबूल करते हैं एक तो अज़ान के वक्त दूसरा जंग जंग के वक्त जब जब दुश्मन से सख्त मुकबला जारी हो तो ये वक़्त हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने से अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो हम जंग नहीं करते लेकिन अजन तो हम रोज़ाना सुनते हैं तो इसलिए अजदान के साथ साथ हम भी दुआ करना चाहिए और दुआ मतलब अजदान के बाद दुआ पढ़ना चाहिए क्योंकि वो भी एक ख़ास मौक़ा है जो अल्लाह ताला ने हमारे दुआ को कबूल करते हैं तीसरी मौका जो आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया ये वो वक्त है जब ख़त्म कुरान का वक्त ख़त्म कुरान का वक्त भी खास कबूलियत के अकात में से हैं रसूल करीम वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कुरान करीम ख़त्म करता है तो उस वक़्त सात हज़ार फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं उस मौका पर आप वसल्लम ने कबर की वहशत से मन वसीत और रहमत बारी की दुआ रसोल्ला व्लम ने सिक, एक और रिवायात में है कि ख़त्म कुरान का वक्त नज़ुल रहमत का वक्त होता है तो ये भी एक वक्त है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब खत्म कुरान हो तो उस वक्त दुआ करना चाहिए नंबर चार अभी तीसरा नंबर चला गया ख़त्म हो गया तो नंबर चार अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जुमा की एक ख़ास घड़ी का बताया जिसमें दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं उस घड़ी का वक्त खुतबा जुमा से लेकर जुमा के दिन के ख़त्म होने तक बयान किया गया है ख़ास तौर पर खुतबा जुमा और नमाज के दौरान उस घड़ी की तो की जा सकती है यह हदीस अबू दाऊद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया तो जुमा के दिन एक ख़ास वक्त है ख़ास मौका है जो उसमें एक ख़ास घड़ी है अल्लाह ताला ने तैयार किया हमारे लिए तो उस घड़ी में हम अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए और वो नमाज़ के खुतबा खुतबा जुमा और नमाज के दौरान उस घड़ी की तो की जा सकती है आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुखारी में है कि रमज़ान मुबारक की दुआओं का खास महीना है बिलखसूस उसके आखिरी अशर में आ हज़र सल वम की सुनर से इतिकाफ़ के ख़ास मुजाहिद मुजाहिदे के साथ दुआएँ करना साबित है तो ये भी एक मौका है जो आज़र सल्लम सलम ने हमें बताया कि रमजान अमारक रमजान अलमबारक तो पूरे महीने में वो तो दुआ ही कबूलीत का महीना और ख़ास तौर पर उन आखिरी अशर के बारे में आ हज़र सल्लम ने अपने दुआ को इतना ज़ोर दिया इतना ज़्यादा दिया दुआओं में लगे रहे और जैसे खास जैसे मैंने कहा था ख़ास तौर पर और बिलखसूस आखिरी अशर में उसमें वसल्लम ने दुआओं की तरफ से इतना ज़ोर दिया ज़्यादा करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करते हैं आगे हज़र सल वसलम ने फरमाया कि रमज़ान अलमबारक के आखिरी अशरे के ताक रातों में क़दर की रात खास तौर पर कबूलियत दुआ के अवकात में से हैं ये भी बुखारी में है आगे फरमाया कि हज़रत अबू रज रही अन्हु बयान करते हैं कि जब भी नेक लोग अल्लाह तिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और उन पर रहमत और सकीनत का नज़ुल होता है और उनको मगफ़रत अ होती है तो आगे आज सल्लम ने फरमाया और बास अहादिस से पता चलता है कि बरान रहमत के नज़ुल का वक्त भी कबूलियत दुआ का खास वक्त होता है जब रहमत नज़ल होते हैं वो भी एक कबूलियत दुआ की कबूलियत के ख़ास वक्त होता है आगे सर सलम ने हमें ये बताया कि सजदे में दुआओं का भी ख़ास मौक़ा होता है जब हम नमाज में ना जब हम सजदा करते हैं जैसे पहले भी मैंने यही बयान किया था पहले एपिसोड में जब हम सजदा करते हैं नमाज के आ, न, नमाज के अंदर में या नमाज के दौरान में हम दौ, सजदा करते हैं तो उस वक़्त जैसे आज सलाम ने हदीस में फरमाया उस वक्त बंदे अल्लाह ताला के साथ इतना नज़दीक है तो उस हालत में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए तो रसूल करीम वसल्लम ने फरमाया कि इंसान हालत सजदा में अपने रब से बहुत करीब होता है पास तुम उस वक्त कसरत से दुआएँ क्या करो ये हदीस मुस्लिम में से लिया गया है तो इसलिए जैसे पहले भी मैंने कहा था जो नमाज़ नहीं पढ़ते इसका मतलब वो सजदा भी नहीं करते और जो सजदा नहीं करते वो इसका यही मतलब है कि वो दुआ नहीं करते तो इसलिए अगर हम उस हदीस को पूरा करना चाहिए तो इस हम नमाज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि नमाज के दौरान में ही हम नमाज के अंदर में ही हम अल्लाह ताला के हुजूर में सजदा करते हैं और उस हालत में जब हम सजदा करते हैं हम अल्लाह ताला के साथ बहुत ही नज़दीक है तो इसलिए उस हालत में हम अल्लाह ताला के हुजूर में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए नंबर ग्यारह मजलूम के दुआँ भी ख़ास कबूलियत के लायक है मजलूम के दुआ भी ख़ास कबूलियत के लायक है आजकल तो हम पर ूम हो रहे हैं खास तौर पर पाकिस्तान में बहुत जुलुम हो रहे हैं अहमदी के ऊपर तो ये हालात हैं ये वक्त है हम अल्लाह ताला के हुजूर में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए क्योंकि आज वसल्लम ने ये बताया कि मजलूम की दुआ भी ये अल्लाह ताला कबूल करते हैं अल्लाह ताला रद्द नहीं करते हज़र सल्हु वसलम ने जिन तीन दुआओं की ख़ास कबूलीत का ज़िक्र फरमाया उनमें एक मजलूम की दुआ है हजूर सल्लाम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कबूलियत में कोई पर्दा हायल नहीं होता कोई कोई रुख नहीं है कोई फ़सला नहीं वो डायरेक्ट जाते हैं अल्लाह ताली की तरफ तो इसलिए हम आजकल उस हालत में हैं जो हम तो मजलूम है लोग जो गैर अहमदी है जो मुखालिफ हम पर जुल्म करते हैं तो इस हालत में हम अल्लाह ताला के हुजूर में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए क्योंकि ये वक्त हैं अल्लाह ताला और ये हालत हैं अल्लाह ताला हमारे दुआ को रद्द नहीं करते जैसे आ हज़र वसल्लम ने फ़रमाया कि मज़लूम की दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कबूलियत में कोई पर्दा हायल नहीं होता उसके बाद नंबर बारह एक और मौका जो आ हज़र अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ऐसे शख्स एक्श के लिए ख़ास तोज़ो और जोश से दुआ करना जो पास मौजूद ना हो खास कबूलियात का मौका होता है जैसे हमारे भाई बहुत दूर रहते हैं हमसे लेकिन हम उसके लिए दुआ करते हैं तो वो भी अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं आज अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा शुरात के साथ कबूल होने वाली दुआ उस शख्स की दुआ है जो अपने किसी गैर हाजिर भाई के लिए दुआ करता है ये हदीस मुस्लिम रिवायत है तो इसलिए हम जैसे आप सबको मालूम है कि बहुत सारे आप लोगों में से जो हिजरत करते हैं दूसरे मुल्क में जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग रह, क्या आज़ादी के साथ रह नहीं सकते वहाँ तो आप हिजरत करके मलेशिया आए हिजरत करके श्रीलंका आए हिजरत करके थाईलैंड आए तो हम अपने भाई अपने रिश्तेदार के, के साथ दूर रहते हैं तो इस हालत में जब हम एक दूसरे के साथ दूर रहते हैं तो इस हालत में हम अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए क्योंकि अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा असुरत के साथ कबूल होने वाली दुआ सबसे जल्दी कबूल होने वाली की दुआ उस शख्स की दुआ है जो अपने किसी गैर हाज़िरी भाई के लिए दुआ करता है तो ये मौा मौ, मौ, मौ जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये अवकात और हालात जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये सारे के सारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बताया तो इसलिए हम अल्लाह ताला के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए हम उस शख्स की तरह ना बने जो शुरतयन यूनुस में अल्लाह ताला ने इरशाद ये, ये उस उस आयत में जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ कर सुनाया था तो उस शख्स की तरह ना बने कि जब तकलीफ़ की हालत में हो तो अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करते हैं और जब अल्लाह ताला हमारे तकलीफ़ हमारे बेचैन को दूर कर देते हैं तो हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं हम अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ नहीं करते तो इसलिए हम इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कहा था कि हर हालत में ख़ुशी की हालत में हो या गम की हालत में हो या आसानी की हालत में हो या तंगी की हालत में हो हम अल्लाह ताला हुजूर में दुआ करना चाहिए जैसे मैंने कहा था कि हमारा काम अल्लाह हुजूर में दुआ करना तो इन अगर ये दुआ से दिल से हमारे दिल से निकलते हैं हा? हम अल्लाह ताला के हुजूर में रो रो के दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दुआ को ज़रूर सुनते हैं जैसे मैंने कहा था कि इस्लाम ने एक ऐसे जिंदा खुदा दुनिया के लिए पेश किया तो अल्लाह ताला ने ज़रूर हमारे दुआ को कबूल करते हैं सिर्फ़ हमारा काम यही है कि दुआ करना है और ख़लू से दिल दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा दुआ को कबूल करें अल्लाह ताला हम सब को हमेशा ही अपनी हिफत में रखें और इन ऐसे हालात जो हम गुज़र रहे हैं जो हम तो मजलूम हैं तो दोबारा मैं आप सब को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना चाहिए InsyaAllah. Allah Ta'ala yang memberi doa ku. Zulul kaburkan ringan. Allah Ta'ala yang bersabku. Ispat amalkan kita. Taufiq atap fermai. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahimah. Wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Kama barok ta'ala Ibrahimah. Wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum.